देखिए भाई, पूरा इंडिया पिछले एक साल से शाहरुख खान के जवान की तरफ से कुछ अपडेट आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब जाकर फाइनली रेड चिली वालों ने अपना चुप्पी तोड़ के भेज दिया है जनता के लिए फिल्म का न्यू रिलीज डेट। हाँ भाई, शाहरुख खान के जवान 25 अगस्त को भी नहीं बल्कि आएगी 7 सितंबर को। यानी कि भैया, शाहरुख खान ने अपने अक्षय कुमार और विजय देवरकोंडा पर थोड़ा रहम कर दिए ताकि ये लोग भी अपने अपने फिल्म की कमाई कुछ दिन कर पाए। जी हाँ भाई, 1 सितंबर को अक्षय कुमार के साथ विजय देवरकोंडा की भी खुद से फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इसके मेकर्स फिल्म को पोस्टपोन करने में लग भी गए थे जवान के कारण, लेकिन अब शायद खुशी वाले अपना पोस्टपोन करने का प्लान ही बदल देंगे क्योंकि अपने जवान अब 7 सितंबर को आ रही है। बट भाई, कुछ भी कहो, एटली कुमार सच में बवाल चीज बना दिए। फिल्म से उन्होंने सिर्फ दो ही चीज भेजा आज तक और वो दोनों वीडियो एकदम दिमाग हिलाने वाला था। जहां तो भाई, पिछले साल के टीजर में शाहरुख खान का सिर्फ मुंह ही पूरा पट्टी से ढका हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने एकदम उनको इजिप्ट वाला मम्मी बना दिए। बस फर्क इतना है, वो इजिप्ट वाला मम्मी मरी हुई है और ये हमारा जवान जिंदा है जो अपने भाला से दुश्मन पर भारी पड़ने वाला है। यानी कि भैया, जवान को एटली कुमार एकदम साउथ फिल्म के स्टाइल में बना रहे हैं। पहले भी फिल्म से शाहरुख खान का हाथ में कट्टा और तलवार लिए हुए पिक्चर लीक हुआ था और अब भाला लिए हुए ऑफिशियल पोस्टर ही आ गया है जवान से उनका। देखिए, साथ में खुद शाहरुख खान ने कन्फर्म कर दिए इस जवान में अपने थाला पेटी विजय सर भी है। जी हाँ, कल टीजर रिलीज करने के बाद वो एक Q&A किए थे आस एसआर के करके और वही इनसे एक बंदा पूछ लिया, जवान का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एटली कुमार और बाकी कास्टिंग के साथ। और तब इसके जवाब में अपने सार के बोले हैं, एकदम कमाल का एक्सपीरियंस था, खूब मजा आया मुझे एटली, विजय और नयनतारा के साथ काम करके। मतलब भाई, जिस हिसाब से इन्होंने बोला है खूब मजा आया विजय के साथ काम करके, यानी कि थालापट्टी विजय सर के साथ सिर्फ एक दो सीन नहीं बल्कि काफी दिन उनके साथ काम किए हैं। विजय सर का जवान में केमियो नहीं बल्कि केमियो से बढ़कर रोल होने वाला है। कम से कम वो हमें 20-30 मिनट आराम से दिखने वाले हैं शाहरुख खान के साथ इस जवान में। भाई, सारके ने तो डबल खुशी दे दी है विजय सर को कन्फर्म करके। बस अब जल्दी से 7 सितंबर आ जाए और हम सुबह सुबह ही देखने के लिए दौड़े जाए थिएटर में जवान को। वैसे आपको जवान का न्यू लुक कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।